कृष्णा, राधे राधे। आज है ब्लॉग नंबर 26 और आज के श्रृंगार दर्शन। तो हमारे गोपू बाबू, श्याम बाबू, वासु और लड्डू लाडली तो सभी के श्रृंगार दर्शन। आज आपको एक चीज दिखाऊं, चलिए दिखा देती हूँ। ये है ऊपर से लेके नीचे तक, ये मेरी अलमारी है और इसका मैं आपको हाल दिखाऊं, इसके मैं आपको दर्शन कराती हूँ। प्लीज कोई बेहोश मत होना। ये देखिए, अब इसमें से कोई कपड़े कैसे निकाल सकता है? ये मेरी अलमीरा का हाल है और ये मैंने अभी आपको एक ही दिखाई है। मैं आई थी अभी कपड़े लेने के लिए, तो ये तो मेरी अलमारी का हाल था। और अब मैं तो स्नान करने के बाद आप पूजा करूंगी, लेकिन आपको एक और पुजारी मैं अभी दिखाती हूँ। तो वो पूजा भी आप देखिए कितने मन और कितने लगन से हो रही है, आपको बहुत ही आनंद आएगा उस पूजा को देखकर। शायद मेरी पूजा को देखकर तो इतना ना आए। तो क्या आपने देखी इससे पहले ऐसी पूजा? और भाई ज्यादा नहीं बोलते वरना ये घंटी मुंह पर आके पड़ती है पूजा होते हुए। और अब महिमा और प्रभात दोनों आ गए हैं नानी के यहाँ से, तो रूड़ी की खुशी। कल पूरा दिन इसने खाना नहीं खाया, ये दोनों नहीं थे तो। और अब इनका जल्दी से पीछा नहीं छोड़ेगा। दूसरा भी ले लेगा। अब उसने हाथ दोनों दे दिए, नहीं दे रही तो क्या करे, जबरदस्ती लेगा ना वो। अच्छा ठीक है ठीक है, बैठ जा बैठ जा। वो वाला हाथ दे, ये वाला, ये वाला, ये ले, वो वाला, वो वाला, ये ले, ये देखो भाई वाले को फोन कर दे। उठ जा, 5:15 बज गए हैं, उठ जा जल्दी, उठ जा जल्दी। लड़ला भी आज अलग नहीं सोया है क्योंकि कल पूरा दिन अलग थे ना ये दोनों। आज फिर से हो रही है हमारी पार्टी एंड छोले भटूरे। ये ऑफिस से आए तो ये लेते हुए आए, वाह। गाइस ये मत सोचना कि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं बाहर का, कभी कभी खाते हैं, बट कोइंसिडेंस हो गया दो दिन से। तेरे साथ थोड़ी हुआ, वो तो मेरे साथ हुआ था, तू तो थी नहीं। मैंने कल भी छोले भटूरे खाए थे। ओह, भाभी ने बनाए थे। तो उस भाभी ने बनाए थे ना, बाहर का थोड़ी था। बहुत अच्छे थे बट। अभी मास्टर जी चले गए हैं और अब बनाना शाम का खाना। अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, तो मैं बनाती हूँ खाना। लेकिन इससे पहले ना आपको एक चीज दिखाऊं, कोई ना थोड़ी सी सफाई कर रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कर रहा है। ओके अभी हम देखते हैं। क्या हो रहा है? कपड़े निकाल रही हूँ। अच्छा ये देखो, दिखाओ तो सब दिखा दो आप। ये डोनेट करने के लिए निकाले हुए हैं और अभी समझ में नहीं आ रहा ये कौन से डोनेट करूं और कौन से रखूं। कुछ ना मेरे ऐसे ऐसे बहुत फेवरेट है। मैं बहुत सालों से पहन रही हूं, उनको बोल रही हूं। हाँ, और जैसे कि परसों इसका बर्थडे है तो इसे कल डोनेट कर आने हैं।
और अभी ये कल डोनेट करने के लिए कुछ ये भी लाई है बच्चों के लिए। और ये तो क्या डोनेट करूंगी, ये तो मैं अपनी खुशी बांटने लाई हूँ। और कल का बहुत सारा इसका प्लान है, तो वो कल के ब्लॉग में वो आपको दिखा दिया जाएगा। बाकी आज इसने ये फैला रखा है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। पता नहीं अब मैंने फैला तो लिया, सोने से पहले पूरा कर लूंगी। लगे रहो मुन्ना भाई वरना मुझे सोने की जगह नहीं मिलेगी कहीं यहाँ पे नीचे गद्दा बिछा के सो जाइए ना, है ना? और चूहे तो बेड पे ही आ जाएंगे फिर। तो क्या हुआ, चूहे भी सो लेंगे? नहीं, मेरे मुंह पे नाचेंगे चूहे इधर उधर। ओ मतलब बेचारे चूहों को सोने नहीं देना। ओ चूहों को नहीं सोने देना कि मेरे को नहीं सोने देना ये कुछ ड्रेसेस जो हैं आज बनी हैं, और मैंने कुछ साथ के साथ ना पैक कर कर भी प्रेस करके दिन में साथ के साथ रखती रही थी। तो मास्टर जी जैसे कि जा चुके हैं, यहाँ पर ये उनका पीस थोड़ा सा रह गया था तो वो लगा हुआ है, और लेट हुए थे 7:45 बज गए थे। और यहाँ टेबल पर भी कुछ बने हुए प्रेस हुए रखे हैं। यहाँ ठाकुर जी का ये दिया उठा लेते हैं, इसे साफ करते हैं और फिर यहाँ की आरती करते हैं। और अभी आरती भी करनी है, तो आरती करेगा भी प्रभात, तो प्रभात को बोलती हूँ वो आरती करेगा। मैं तुलसी माला लेकर आई थी ना, 2 जाप बैग लेकर आई थी, तो ये दोनों ही माला मैंने इनकी दोनों की ही पूजा की है, तो एक महिमा के लिए और एक उसके पापा के लिए। अब ये उन्हें देनी है दोनों को, और अब शाम की पूजा के बाद वो जाप शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी तक दोनों ही जाप नहीं करते थे, केवल प्रभात और मैं करते थे, अब से उनका भी जाप शुरू। एंड महिमा के बर्थडे का पहला गिफ्ट ये है मेरी तरफ से। तो लेके और उसके अंदर माला रख दिया मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, जितना हो गया उतना देख लेते हैं। देखो मैंने अपने सूट सारे अच्छे अच्छे वाले पैक करके रख दिए। ओके, और बाकी निकाल दिए। ये बेकार है? नहीं, इसको सबसे अच्छी पन्नी दी है मैंने। ओ सबसे अच्छा सूट है, मुझे लगा उसे रिटायर कर रही है तू। नहीं नहीं, वो रिटायर वाले देखो, वो सीक्रिंग कर रहा है ना, जो आपने मुझे चेपा था। चेपा था चेपा था आपने, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है, वो रिटायर कर दिया मैंने। ओके आ रहे हैं, तो अभी दूध आ गया, हम दूध ले लेते हैं भाई। तो अभी भाई खाना बनाने का टाइम जैसे कि हो गया है, तो अभी बन रहा है खाना, सब्जी बन चुकी है, राजमा बना है और मैं रोटी बना रही हूँ। मैं खाना बनाकर आ गई हूँ और प्रभात ने पूजा भी कर दी है, और अब मैं बैठकर करूँगी पार्सल पैक। तो अब है पैकिंग की बारी, अभी करते हैं हम पार्सल पैक। तो अब इससे ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो आज का वीडियो करते हैं हम यहीं समाप्त, फिर मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।